तो कहना कहाँ जा रहे हो? हाँ इधर देखो, इधर आ जाओ। एयरपोर्ट पे क्या करने जा रहे हो? मुश्किल लेने जा रहा है। मुशी आ रही है आपसे मिलने, इतनी दूर। आर यू हैप्पी? यस। कितना? इतना, बस इतना। मुशी इतनी मेहनत से आ रही है, इतनी दूर आ रही है। फ्लाइट से आ रही है। किसके साथ? मामा जी, नाना जी। तो अभी हम जा रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर को लेने के लिए। मतलब मैं घर नहीं गई अब की बार, तो मेरा बहुत, मैं बार बार बोलती रहती हूँ घर पे कि मेरा, जब से मैं एडमिट हुई हूँ, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, लास्ट मतलब पिछले व्लॉग में देखा होगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। तो मैं एडमिट हो गई थी, बीपी लो गया था मेरा, तो रात को हम लोग मतलब गए हॉस्पिटल, फिर एडमिट होना पड़ा। तो तब से मतलब घर पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, डिस्टर्बेंस हो जाता है ना सुन के कि बच्चों का। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो, सब तो नहीं, सब भी आ सकते हैं, बट तो फिर सोचा कि चलो, सिस्टर ने सोचा कि चलो मैं ही चलती हूँ। बाकी अब आ रही अकेली, और कायना को लग रहा है कि सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली घर वाले छोड़ नहीं आते हैं। तो हमने, मैं वीडियो कॉल कर रही थी, तो कायना को लगा कि सब आ रहे हैं, तो कायना को नहीं पता है कि बस मौसी आ रही है। तो अभी रहेगी कुछ दिन, आई मीन 10 to 15 days, सारेट्स में आपको देती रहूँगी। बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग, आई मीन देखते हैं क्या है। एक्चुअली अभी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, और आई एम सो हैप्पी कि मेरी बहन मेरे लिए यहाँ पे आ रही है। वो भी इतनी छोटी, सबसे छोटी है हम भाई बहनों में। पहले भी आए थे दोनों भाई बहन, मतलब जब कायना का फर्स्ट बर्थडे था दोनों अकेले आए थे, बट अब की बार वो अकेली आ रही है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। ओके, फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि जो भी, जब मैं घर गई थी तो मम्मी ने मुझे क्या दिया था मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं भूल गई थी। तो मैंने इससे पहले एक अपलोड किया है व्लॉग, इसमें कायना का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उसमें मैंने पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी है, जो कि इवनिंग के टाइम पे पहनी थी, केक कट के टाइम पे, तो वो मम्मी ने दी थी। आप जाके देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अभी निकल गए हैं, और बस अभी बैग वैग लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अभी हम यहाँ पे खड़े हो, तो बस थोड़ा और इंतजार, 5 से 10 मिनट में हम साथ साथ मामा को बाय। अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए सिस्टर को। अच्छा ठीक है। कायना ने चला रखे पैट्रियोटिक सॉन्ग, मुझे लगा हम इसके अंदर ही, मत चलाना भी। मिल चुके हैं और सब आ भी चुके हैं। मोशी भी आ गई। कायना बड़ी क्यूट है, देखो लाठी लाठी है। तो कायना कैसा लग रहा है मौसी से मिलके? अच्छा। अच्छा, कितना अच्छा? अच्छा, अब स्कूल किसके साथ जाओगे? मौसी के साथ, डेली। और अपने फ्रेंड्स को चुड़ाओगे? क्या बोलेगे उसे? क्या बोलोगे? चाय खाती। चलो हेलो गाज बोल दे। हेलो गाज, आज मेरी मूछें आ गई, बोल दे। बोल दो कायना। क्यों? नहीं। गैस करो ये कौन सी मिठाई है। ये है काला जाम, और बहुत यम्मी होता है। रुड़की में एक शॉप है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, और ये चित्रेश के फेवरेट है, और मेरे भी फेवरेट है। बहुत यम्मी है ये, बहुत स्पॉन्जी होते हैं और अंदर तक पके होते हैं, और मैंने इसमें से एक खा भी लिया है। और फ्रेंड्स, मेरे साथ में आ जाइए आप किचन में, आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। मतलब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी ये, बट ये सबसे स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मम्मी ने अपने आंगन में बहुत सारी सब्जियाँ लगाई हुई है, भिंडी, नींबू, हरी मिर्ची, और हल्दी भी लगाई हुई है। मतलब मम्मी मानती है कि हल्दी बहुत अच्छी होती है, मानती है, मतलब सब लोगों के लिए अच्छी होती है हल्दी, एंटीसेप्टिक होती है। तो जो घर की हल्दी होती है, बाहर की हल्दी में या सब्जी मिलावटें आती है, सब्जियों में तो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा ग्रो करे चीज़ें ना, ज़्यादा मतलब हो उनकी खेती और उनको मुनाफा ज़्यादा हो। बट इसमें से एक भी बीन में कीड़ा कुछ नहीं, इतना साफ थी, कच्ची कच्ची थी, बहुत यम्मी लग रही थी, टेस्टी, और बहुत सारी थी, 1.5 से 2 किलो थी, बहुत सारी बच भी गई थी, 2 से 3 टाइम मैंने खाई। अभी हम थोड़ा सा खाना खा के, थोड़ा सा वॉक करने के लिए और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बैठ गए, क्योंकि थक गए थे। और कायना से थोड़ी सी, तो कायना खुश हो आप मौसी के साथ में? गाइस को बताओ। हाँ। अच्छा, और मौसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है? चॉकलेट बिस्किट,
चॉकलेट मिर्ची और स्वीट्स लेके आई है, और ड्राई फ्रूट्स भी तो लेके आई है। हाँ ड्राई फ्रूट भी, ड्राई चॉकलेट भी, चिपचिपा है मेरा फेवरेट चॉकलेट। और स्वीट्स लेके आई है काफी, काला जाम और ड्राई फ्रूट्स और बीन्स भी लेके आई है, सब्जी भी लेके आई है और टर्मरिक भी, हल्दी भी लेके आई है। बताओ इतना सारा, हैप्पी हो ना मोस्टली आ गई तो हमारी, पर मैं मामा जी को मिस कर रही हूं। हमारी हमारी मुझे सबकी अच्छी मुसी है, हमारी मुसी सबसे अच्छी मुसी है, कहने वाली है हमारी मुसी सबकी अच्छी मुसी है। हाँ आपकी मौसी पूरे संसार की मौसी थोड़ी ना, और ये सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है क्योंकि जब से वो आई है वो मेरे, उसे मेरे पास नहीं बैठने दे रही है और उसके गोदी में जाके बैठ रही, खाना भी मौसी से खा रही है और सब चीज़ें खा। कायना के लिए लेके आए हैं उसकी मौसी और उसके मामा ने ये भेजा है, कायना को बहुत पसंद है बिस्किट कुकीज़ ये सब। और ये देखो ये आधा किलो का ये ड्राई फ्रूट्स का पैकेट है जिसमें कि अलग अलग मिक्सड ड्राई फ्रूट हैं, जिसमें वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स और ये सब हैं जो कि हम लोग दीदी खाते हैं ज़्यादा ना, तो इसमें सारे हेल्दी वाले हैं, ऐसे काजू कम हैं और बाकी ब्लैक रेजेंस ये सब ज़्यादा है इसमें, शिया सीड्स भी है इसके अंदर, तो ये बहुत मतलब ऐसे हेल्दी है, न्यूट्री है न्यूट्रिशन के लिए। और आपको पता है जैसे कि मैं एडमिट हो गई, तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, मैं बार बार बोलती रहती हूँ ये एडमिट हो गई थी, तो इस वजह से ये भेजा है मम्मी ने, ये मतलब भाई लेके आया था, भाई ने बोला है कि इसको लेके जा, उसको खिला और थोड़ा, क्योंकि मतलब ये सोन पापड़ी का डब्बा है ये देखो, और ये इतना सारा हल्दी है जो कि मम्मी ने घर में बनाती है, मतलब घर में घर की हल्दी है ये। और हमारी मम्मी की फसल बन गई है ये बीन्स, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लग रहे देखने में, और इसमें एक भी कीड़ा नहीं था, मतलब बिल्कुल फ्रेश थी, एक भी ख़राब नहीं थी, घर की थी ना और फ्रेश थी, कल ही तोड़ के दी थी मम्मी ने, तो बहुत यम्मी दिख रही है ये देखिए, बहुत यम्मी। मेरा तो फास्ट है तो मैं नहीं खा पाऊँगी, मैं शाम को खाऊँगी थोड़ी सी, और बहुत यम्मी लग रही है, बहुत फ्रेश और एकदम कच्ची थी ये, मतलब पकी हुई नहीं थी, बहुत यम्मी है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। सो अभी बज रहे हैं 1, तो 1 बजे मैं चाय पी रही हूँ, मतलब आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था, जैसे ही मेरी बहन आई और से सिलेंडर ख़त्म हो गया, कितना अजीब सा लगता है ना, तो और ये हमारा नाश्ता, ये देखो है ना। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, बीट रूट तो आप कभी खाते नहीं हो, तो आज कैसे खा रहे हो मौसी को इम्प्रेस करने के लिए, है ना? पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मौसी कुछ बोलते हैं तब, लेकिन जब भी मौसी बोलते हैं तो आप खाते हो ना सारी चीजें, ऐसा क्यों? इतने प्यार से बोलते हैं कि आप मना ही नहीं कर पाते हो, हैं? बोलो ना। ये देखो मैनर्स भी आ गई है नहीं तो मुंह पे आके खांसते ही है, लाख को भी कर दूंगी मैं। कायना बताओ ना। हाँ, मम्मा भी नहीं पता। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? रोटी बना रही हूँ यार, ये लड़की ना, एक तो ये इतनी दूर से आई है ठीक है, और तब आई थी जब कायना छोटी थी उसके बर्थडे में ठीक है, और आके काम कर रही है, तो कैसा लगता है ना अपनी छोटी बहन रोटी बना रही है और बोलेगी भाई तुम्हारी प्लेटलेट्स कम हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी प्लेटलेट्स बढ़ा के चाहूँगी, पापा मम्मी ने इसको एक काम भेजा है ड्यूटी, और ये मेरे हक छीन रही है आगे, सो कोल्ड हक, सो ये मेरे हक छीन रही है यहाँ पे आगे। देखिए गाज को कुछ बताओ, एक्चुअली कुछ भी कम कुछ कुछ आंसर पूछू मैं कुछ, ओके चलो बाय बाय। हो रहा है घड़ी में 6:23, 6:30 बजने वाले हैं, और कायना और सिस्टर देखते क्या कर रही है कायना और मौसी। सो क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आप लोग, वो भी एक पोनी बनाई है, किसने बनाई है? मौसी। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, वाह कितनी प्यारी लग रही है, तो ये चिच्ची छोटी बना दी, क्या कर दिया? चिच्ची छोटी बना दी, यहाँ पे बनानी चाहिए डोर पे छिलके, नहीं आप तो बोलते थे इधर बनाओ एक इधर बनाओ, मैं तो जल्दबाजी की उसमें नहीं बनाती, तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप मौसी। और ये बनवा ले यार, बनवा ले ना, कहना बाबू मैं भी तो
इसने पूरे दिन से अपनी मौसी को लेटने नहीं दिया, और कभी पेंटिंग कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। मैं अपनी पूजा करती हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कायना की नौटंकी। देखिए कायना कैसे कैसे कारनामे करती हैं, और इस तरह से देखते हैं ना बच्चे की खुद से गिर रहे, तो बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं ऐसे कौन करता है। और सो कायना का हेयर स्टाइल देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इसने मौसी ने इसके बनाया और सारे ऐड कर दिया, जिससे कि कायना को बहुत प्रॉब्लम होती थी। कायना इधर आना, क्या आइसक्रीम आइसक्रीम बना रही मैंने। अच्छा इधर आ जाओ। हैप्पी मील क्या बना रहे हो आप? डोनट आइसक्रीम। हैप्पी मील दिखाओ दिखाओ। और ये पिक मैंने ली थी आफ्टर इसका हेयर स्टाइल बनाने के बाद में, तो इसकी हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर करके आपको भी दिखा दिया जाए। हाँ तो देखो कायना कितनी अच्छी लग रही है, कायना का फूल चेंज कर दिया है। किसने किया है? मम्मा ने। मौसी ने कहा ना, झूठ बोलते गाइस। और सेम सेम बिंदी लगाई हमने, और सेम सेम बिंदी भेजी थी मम्मी ने, है ना, माजी ने भेजी। और इसका कायना का हेयर स्टाइल आज तक मैंने ऐसा नहीं बनाया, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। देखो कितना अच्छा हेयर स्टाइल का बनाया, जैसे बड़े लोगों का बनता ना इस तरह का। और कायना को देखती रह गई मैं जब मैंने देखा इसका हेयर स्टाइल, उसकी बिंदी और हम मेरी दोनों की बिंदी मैच हो रही है ना। ने भेजी थी बिंदी और अच्छा लग रहा है ना। क्या करवा रहे हो मौसी से? सेवा करवा रहे हो अपनी? यस। हद है, पैर दबवा रहे हो मौसी, पैर दबा रहे हो मौसी से? क्या सर? चोट। आपने बोला है मौसी को पैर दबाने के लिए? हाँ। क्या बोला है? मौसी मेरे पैर दबा दो। आपको बचपन की याद आ गई, जब आप छोटे थे तो मौसी आपके पैर दबाती थी, और ऐसे ही पैर दबाती तभी ये इतना। और अब इसने कार्टून टीवी में चला दिए हैं मौसी के कहने से कि मोबाइल नहीं देख। टाइम कायना 11:30 बजे खा रही है अपना पराठा पालक का, है ना। अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ए जी गाइस, गाइस देखो सादा कोई बना रही मैं इसका, और देखो बिना फोन के खा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। फोन नहीं चाहिए ना आपको? हां ठीक है, सभी को चाहिए रहता है। देखो देखो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अभी हमारे साथ घूम के आई है, बहुत मतलब वॉक करके आई अच्छी खासी, इसलिए इसको भूख लग गई है वापस घर आके। तो डिनर तो कायना ने कर लिया था और बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो ये ना यहाँ पे एक मतलब एक राउंड मतलब क्या 10 कदम भी नहीं चल पाते, बोल मेरे पैर में दर्द हो रहा है, बट अभी ठीक है। चलो बाय बाय बोल दो, गुड नाइट, बाय बाय। ओ आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। किसकी पसंद के कपड़े है ये? और आपने आराम से पहन लिया, और हेयर स्टाइल देखो वाह बहुत अच्छा बनाया। तो यहाँ पे कर रही है इसकी मौसी से रेडी, ये देखो पूरा सब चला के रखा है।